Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me gardening as a passion with Daniel Mark. तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक के ऊपर. तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का. एक्चुअली आई वॉज वेरी मच बिज़ी इन माई वर्क, तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मुझे मौका नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का. बट आज मैंने टाइम निकाला है और मैंने सोचा कि आज वीडियो को शूट करते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कटिंग से ही हम क्यों प्रेफर करते हैं प्लांट्स को ग्रो करना, क्यों वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कटिंग से प्लांट को ग्रो करना रादर देन ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स. तो रिज़ल्ट आपके सामने है, यू गाइस कैन सी. ये जो है ये है बैनियन ट्री, और ये जो बैनियन ट्री है, ये जो सीड्स मैंने लिए थे, ये लिए थे वेरीगेटेड बैनियन ट्री के सीड्स, क्योंकि मैंने एक वेरीगेटेड बैनियन ट्री जो है वो लगा देखा था हमारे नेबरहुड में. तो मैंने वहाँ से कटिंग्स को लेके तो मैंने ग्रो करने की कोशिश की, काफ़ी दो तीन बार मैंने कटिंग्स लगाई, बट वो कटिंग्स जो है वो फेल हो गई. दो तीन बार मैंने लगाने के बाद मैंने सोचा कि अगर ये कटिंग से नहीं ग्रो हो रहे तो इट्स बेटर आई कैन ग्रो फ्रॉम सीड्स. तो मैंने उसी ही बैनियन ट्री के जो सीड्स को लेके मैंने ग्रो किया, तो काफ़ी ज़्यादा जो सीड्स हैं वो ग्रो हुए, बहुत सारे प्लांट्स जो है वो निकल के सामने आए सीड्स में से, क्योंकि जो बैनियन ट्री के जो सीड्स होते हैं उसमें हज़ारों ही सीड्स होते हैं. तो वो जो सीड्स हैं जब ग्रो हुए तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हुए. तो उनमें से मैंने कुछ प्लांट्स को सेपरेट करके लगा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस प्लांट थे. तो उनमें से ये जो प्लांट्स हैं ये निकल के सामने आए हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने जो वेरीगेटेड बैनियन ट्री है उसको मैंने ग्रो करने की कोशिश की थी दो तीन बार कटिंग से, बट वो जो कटिंग्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. तो फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर मैं क्यों ना सीड से ही वेरीगेटेड बैनियन ट्री को ग्रो कर लूं, क्योंकि सीड से तो बहुत ईजली ग्रो हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीड्स जो हैं वो ईज़िली ग्रो हो जाते हैं. तो मैंने वो जो वेरीगेटेड बैनियन ट्री था उसके जो सीड्स हैं वो लेके, तो मैंने उस सीड्स से मैंने ग्रो किए थे बैनियन ट्री. तो जब वो बैनियन ट्री ग्रो हुए तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो वो सीडलिंग्स जो है वो निकल के सामने आए थे, तो बहुत ज़्यादा प्लांट थे. तो मैंने उनमें से कुछ प्लांट्स को सेपरेट करके लगा लिया था. तो वो जो जब मैंने सेपरेट किया तो यू गाइस कैन सी कितने ही खूबसूरती से ये जो प्लांट है ये ग्रो हो चुके हैं, बट इनमें कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिल रही. तो ये जो प्लांट्स हैं ये सीड से ग्रो किए हुए हैं. तो इसलिए अगर आप लोग वेरीगेटेड प्लांट्स में अगर सेम ही करेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं तो आप लोग हो सके तो प्रेफरेबली उनको आप ग्रो कीजिए कटिंग से ही. अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेम ही करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी आपके प्लांट में जो आप कटिंग से ग्रो करोगे. तो ये देखिए, ये है डिफरेंस प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का और प्लांट को सीड से ग्रो करने का, और यू गाइस कैन सी द डिफरेंस. तो ये है बैनियन ट्री, बट इनके जो पेरेंट प्लांट है वो वेरीगेटेड बैनियन ट्री हैं, बट यू गाइस आर नॉट एबल टू सी एनी वेरीगेशन इन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स. तो इन प्लांट्स के जो लीव्स हैं इनमें आप लोगों को कहीं भी कोई वेरीगेशन जो है वो दिखाई नहीं दे रही. तो इट्स बेटर कि अगर आप लोग वेरीगेटेड प्लांट्स में प्लांट को सेम ही कटिंग करेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं तो आप लोग हमेशा ही उनको कटिंग से ग्रो करें. तो आप लोगों ने डिफरेंस देख ही लिया होगा कि अगर हम यही प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करते हैं तो हमें ये जो प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स हैं इनमें वेरीगेशन जो है वो देखने को मिलनी थी. तो अगर अब हमने किए हैं ये सीड से ग्रो, तो वी आर नॉट एबल टू सी एनी वेरीगेशन इन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स. तो आप लोग हमेशा ही, अगर आप सेम ही करेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं अपने प्लांट्स में, तो आप लोग हमेशा ही प्रेफर कीजिए कि प्लांट्स को जो है वो कटिंग से ही ग्रो करें. आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये अच्छा लगा होगा. आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ. आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा. अब मौसम भी काफ़ी अच्छा है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, रेनी सीजन चल रहा है. अभी अभी रात काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, तो काफ़ी अभी भी हमेशा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट है एरिया, और जो प्लांट्स हैं अब थोड़ा सा उनको राहत मिली है गर्मी से.
तो ये देखिए, ये है बनियन ट्री। तो काफ़ी बारिश की वजह से इनकी जो है रूटिंग है वो भी होने स्टार्ट हो चुकी है। यू गाइस कैन सी द रूटिंग्स। और ये तब रूटिंग स्टार्ट होती है जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश के टाइम में इनकी जो स्टेम्स हैं उनमें से रूट्स जो हैं वो निकलने शुरू हो जाती हैं। यू गाइस कैन सी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।